मेरा नाम ज्ञान प्रताप कुंवर है, मेरे बच्चे का नाम संस्कार कुंवर है, बच्चे की उम्र 3.5 साल है, हम लोग बिहार राज्य के गोपालगंज जिला से आए हुए हैं। मेरा बच्चा जब 7 महीने का था तो वो बैठता नहीं था और पैर का एक्टिविटी भी कुछ और बच्चों से अलग था। तब हम लोग उस मतलब 6-7 महीने का था तभी हम लोगों को पता चला, तभी से हम लोग ट्रीटमेंट उसका कराना शुरू कर दिए। कहीं कहीं गए उसको लेके, जहाँ जहाँ लगा, जैसे सिवान में दिखाए, पटना दिखाए, फिर दिल्ली दिखाए, लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार आया। जहाँ गया हर जगह लोग बताए कि इसका थेरेपी, डॉक्टर साहब लोग बताए कि इसका थेरेपी ही इलाज है। मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, हम लोगों की भी परेशानी बढ़ती जा रही थी, कैसे क्या होगा, मेरा बच्चा कब चलेगा, क्या होगा, और ट्रीटमेंट चलता रहा लेकिन कोई उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं हुआ। मेरा बच्चा पंजे पे चलता था, कुछ पकड़ के मतलब खड़ा होता था पंजे पे, खुद से नहीं, वो भी बैलेंस सीधा नहीं होता था, ऐसे ऐसे करता था, क्रॉलिंग नहीं करता था, और घोड़ा जैसे घुटने पे भी खड़ा नहीं होता था, और जब चलता था तो पैर को कैंची बना लेता था, कुछ पकड़ के चलता था, सेल्फ नहीं चलता था, और पंजे पे खड़ा होता था बिल्कुल। मैं हमेशा परेशान रहता था, मोबाइल पे नेट चला के नेट पे सर्च करते रहता था। एक दिन यूट्यूब पे मुझे त्रिशला फाउंडेशन का एक वीडियो मिला, जिसको देख के मैं बहुत मतलब अंदर से खुशी हुई, और मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुआ कि मैं भी अपने बच्चे को एक बार वहाँ ले जाके दिखा लूँ। फिर मैं यहाँ ले कर आया, प्लान बनाया, ले कर यहाँ आया, डॉक्टर साहब से दिखाया, डॉक्टर साहब इसको बोटेक्स लगाने की सलाह दी मुझे, जो मैं तुरंत के तुरंत वहीं लगवा लिया। मैं 3 जून को यहाँ आया था और 4 जून को मेरे बच्चे को बोटेक्स लग गया, और तभी से थेरेपी 10 या 12 जून से शुरू हो गया। 3 महीने के बाद मेरा बच्चा अपने से खड़ा कराने पे खड़ा होने लगा विदाउट सपोर्ट, और पंजा भी हल्का हल्का बैठने लगा, कैंची मार के चलना भी उसका बंद हो गया था। यहाँ पे 7 महीने हम लोग थेरेपी कराए हैं बच्चे का। मेरे बच्चे में बहुत चेंजिंग आया है, अब वो पंजा बैठा के चलता है, पैर का कैंची नहीं मारता है, और घुटने पे भी चलता है, क्रॉलिंग भी कर लेता है। जगह जगह जहाँ जहाँ लोग बताया, मुझे खुद समझ में आया, वहाँ वहाँ मैं जाके अपने बच्चे को दिखा लिया हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। ये मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप एक बार त्रिशला फाउंडेशन में ज़रूर आएँ। जो सेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चे हैं और उनके गार्जियन को मैं यही सलाह दूंगा, बच्चे को प्यार से समझा के जो ट्रीटमेंट, जो थेरेपी यहाँ त्रिशला फाउंडेशन में के मार्गदर्शन में जो कराया जाता है उसको कराएं। बच्चे को डांटे नहीं, बच्चे को मारे नहीं, इसका प्रभाव बच्चे के दिमाग पे पड़ता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। जो काम प्यार से कराया जा सकता है बच्चों से, वो डांट के मार के नहीं कराया जा सकता है। मैं हर जगह से निराश हो गया था और मुझे समझ में नहीं आता था। मैं बहुत जगह, लोग कहते हैं कि इस भगवान को भाड़ा कर दो, इस भगवान से मन्नत मांग लो, मैं सब जगह मन्नत मांगा, हो सकता है मुझे भगवान ही इस दूसरे भगवान से मिलाए हैं, और भगवान ने ही मुझे ये सद्बुद्धि दी कि मैं त्रिशला फाउंडेशन में आऊं, डॉक्टर जैन सर से एक बार मिलूं और अपने बच्चे को दिखाऊं। फिर मैंने वैसा किया और डॉक्टर जैन सर मेरे लिए भगवान साबित हुए। हम यहाँ से सर बोला जाए तो, मतलब देखा जाए तो 100 में 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि जिसका मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि मेरा बच्चा इतना चल सकता है, इतना कर सकता है, उससे ज़्यादा ही कहीं वो कर रहा है। जो भी ये वीडियो देखेंगे, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके नॉलेज में, आपके आस पड़ोस में भी अगर इस टाइप का कोई बच्चा हो, तो आप लोग बिना किसी यहाँ वहाँ दिखाए, बिना किसी संकोच के एक बार त्रिशला फाउंडेशन प्रयागराज में आके और डॉक्टर जैन साहब से सलाह लें, और उनके मार्गदर्शन में बच्चा ज़रूर अच्छा हो जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान था पहले। और लास्ट में मैं डॉक्टर जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे लिए जैसे वो एक भगवान है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे लिए साक्षात भगवान है, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया है, जिसका हम लोग बिल्कुल आशा नहीं करते थे कि मेरा बच्चा कभी खड़ा होगा। अब मेरा बच्चा बिल्कुल सही चल रहा है, इसलिए मेरे लिए, मेरे जीवन ज़िंदगी में वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं। साथ ही साथ पूरे त्रिशला परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ कोऑपरेट किया, थेरेपिस्ट सर जो हैं, जो भी थेरेपिस्ट सर लोग हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों के भी आशीर्वाद से मेरा बच्चा आज सही हो गया, बिल्कुल अच्छा चल रहा है।
सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।